Dear students, in the previous video we were discussing about the electric potential. Now in this video we will discuss about the potential difference को हम सिंपली क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done as the amount of work done in bringing a unit positive charge in bringing a unit positive charge from one point क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? सपोज ये चार्ज्ड बॉडी है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए पॉइंट बी, सपोज ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है 1 कूलम, ये चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इसको मूव करने में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना हमें काम करना पड़ेगा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय लेटर V and it is SI unit is volt. So simply we can say V is equal to W by Q. कितना हमें काम करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में कितना काम हमें करना पड़ेगा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। वहां कभी कभार वहां पे आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज वन वोल्ट क्या है। हम सिंपली कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट टू बी वन वोल्ट when a charge of 1 coulomb is moved from one point to another point and a work of 1 joule is done. Yeah, simply हम कैसे कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट टू बी 1 वोल्ट when a 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb.
So we can say 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1, क्योंकि चार्ज क्या है यहाँ पे, वर्क कितना करते हैं हम, वर्क हम करते हैं W इज इक्वल टू 1 जूल, चार्ज कितना है हमें Q इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब न्यूमेरिकल है NCERT में आपकी, हाउ मच वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt. How much work is done? यानी कि मतलब W हमें निकालना है। इन मूविंग ए चार्ज, इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 coulomb, यानी कि मतलब Q हमें कितना है वो 2 coulomb है, across 2 points having potential difference of 12 volt, यानी कि मतलब V हमें दिया हुआ है 12 volt. सिंपली हम कहेंगे वी नो दैट वी इज इक्वल W बाय क्यू, विच इंप्लाइज दैट W इज इक्वल वी इंटू क्यू, दैट इज वी इज इक्वल टू 12 एंड क्यू इज इक्वल टू 2 24 joules. Thank you. This was the today's topic, potential difference and electric potential. Thank you.